दोस्तों अभी हम आए कॉलेज से, तो अभी मैंने ड्रेस उतारा है और हम चल रहे हैं ब्लॉग बनाने। तो मैंने सोचा आज आप लोगों को जनकपुर का मंदिर दिखा दिया जाए, जो कि प्राचीन मंदिर है, बहुत ही फेमस मंदिर है श्रावस्ती का। तो यहाँ पे लोग बड़ी बड़ी दूर से दर्शन करने के लिए आते हैं, तो हम भी आज चल रहे हैं दर्शन करने के लिए। तो आप लोग ब्लॉग में बने रहिए। आप लोग देख सकते हो कि मैं आ गया हूँ, अभी वहाँ पर तो नहीं पहुँचा हूँ जहाँ मुझे जाना चाहिए। अभी मैं आया हूँ मंदिर पे, तो आप लोगों को मैंने सोचा पहले दर्शन करा लिया जाए। ये श्रावस्ती का बहुत ही प्राचीन मंदिर है, यहाँ पे मेला लगता है। अभी 10 दिन पहले यहाँ पे मेला लगा था, तो हम आप लोगों को मंदिर के दर्शन कराएंगे। यहाँ पे एक मंदिर नहीं, बहुत सारे मतलब मंदिर बने हुए, आप लोग देख सकते हैं। हम आप लोगों को दिखाने जा रहे हैं। ये देखिए यहाँ पे कितने ही ज़्यादा पेड़ पौधे हैं। ये आम का पेड़ है, ये है शिव जी का मंदिर। आप लोगों को अंदर चल के दिखाएंगे। मैंने पैर छू लिया है, आप लोग देख सकते हैं। हम चल रहे हैं अंदर और ये है शिव जी का मंदिर। ये लगा है घंटा, देख सकते हैं घंटा लगा दिया है। मैं चल रहा हूँ बाहर और यहाँ पे एक डॉगी है, डॉगी यानी कुत्ता, तो इसे लगा कि हम कुछ चढ़ाने आए हैं, तो इसीलिए भाग के आया है। एक एक नहीं, दो दो कुत्ते आ चुके हैं मेरे पास। आप लोग देख सकते हैं कितना सीधा कुत्ता है, चाट रहा है मुझको, देख सकते हैं। आओ तुम भी चाटो। नहीं, मेरे पास कुछ है नहीं खाने के लिए। लड़ो नहीं, लड़ो नहीं। आप लोग देख सकते हैं कितने ही बेहतरीन कुत्ते हैं। तो अब हम चल रहे हैं दूसरा मंदिर दिखाने के लिए आप लोगों को। बाय बाय, बाय बाय कर लो। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये हवन कुंड बना है, यहाँ पे हवन होता है। और ये है, अभी गए नहीं, मैंने कुछ अंदर चल रहे हैं। ये हनुमान जी का मंदिर है, दिख गया है मुझे। आप लोग देख सकते हैं कितना ही बेहतरीन मंदिर है। ये हनुमान जी का मंदिर, तो आप लोग दर्शन कर लीजिए। बहुत ही बेहतरीन मंदिर बना हुआ है, देखिए छोटे हनुमान जी बैठे हैं, देख सकते हैं आप लोग। इसके चार तरफ हम पहले चक्कर लगाएंगे। ये देखिए चार तरफ से खुला हुआ है, ये लाइट लगा है यहाँ पे, ये देखिए। अभी एक कुत्ता बैठा हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। और यहाँ पे बाबा जी रहते हैं, बाबा जी यहीं पे मतलब मंदिर की देखभाल करते हैं, सुबह शाम यहीं पे रहते हैं, आप लोग देख सकते हैं। और वो बाबा जी बैठे हैं, आप लोग देख सकते हैं। हम चल रहे हैं दूसरा मंदिर दिखाने के लिए। छोटा सा मंदिर है, आप लोग देख सकते हैं मंदिर है, पता नहीं क्या है ये, शायद स्नान घर लगता है। स्नान घर नहीं, मंदिर ही है, आप लोग देख सकते हैं। ये लोग मेरे पीछे पीछे घूम रहे हैं, कुछ है नहीं खाने के लिए। अपना चप्पल पहनने जा रहे हैं। आप लोगों को इस मंदिर को देख के कुछ याद आ रहा होगा, इधर से नहीं दिखेगा, लेकिन अभी आपको क्लियर दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। तो आपको क्लियर दिख रहा होगा, आप लोग इधर से देख सकते हैं। इसको देख के ऐसा लग रहा है जो रामायण में नहीं, लास्ट में दिखाया जाता है रावण के, वहाँ जब हनुमान जी जाते हैं तो वो मुख द्वार दिख रहा होगा आप लोगों को। वो हनुमान जी बैठे हैं अंदर, आप लोग देख सकते हैं। और यहीं से मतलब उनका क्या बोलते हैं, ये जो मतलब एक राक्षस है, राक्षसनी औरत, तो ये मतलब हनुमान जी को अंदर जाने के लिए मना करती है, तो ये उनके दांत तोड़ देते हैं हनुमान जी, तब वो अंदर जा पाते हैं। आप लोग देख सकते हैं वहीं का दृश्य है, आप लोग देख सकते हैं। उसी को देख के डिजाइन किया गया है ये मंदिर। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं फूल बने हुए हैं, ये गेंदा का फूल है, ये तुलसी है, कितनी बेहतरीन
क्यारी यानी छोटा सा गार्डन आप लोग देख सकते हैं।